हेलो एंड वेलकम टू टेली एक्सप्रेस। दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब अक्षरा पर गिरेगी अभिनव की मौत के बाद एक और गाज। जी हाँ, अक्षरा पर गिरने वाली है दोहरी गाज। क्या होने वाला है ऐसा अक्षरा के साथ, क्यों गिरी है अक्षरा पर दोहरी गाज, क्या कुछ हुआ है, चलिए हम आपको पूरी खबर हमारी इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, आप जरूर करें और बेल आइकन को भी आप जरूर दबा दें। दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अबीर की हालत हो जाएगी बहुत ही ज्यादा खराब। इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी कि अब अबीर को करवाना पड़ेगा हॉस्पिटलाइज, क्योंकि अबीर ना सिर्फ डिप्रेशन में जा रहा होगा बल्कि उसके सीने का जो दर्द है, जो उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी, उसकी वजह से सब परेशान हो जाएंगे और अबीर को लेकर जाया जाएगा बिरला हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए। अबीर एडमिट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अब एक बहुत बड़ी बात अक्षरा को पता चलेगी और वो ये होगी कि अब अबीर को देना होगा बोन मैरो, और ये बोन मैरो अक्षरा और अभिमन्यु दोनों का होगा, क्योंकि दोनों ही बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं अबीर के। लेकिन अबीर अभिमन्यु को अब अपना पिता मानने से इनकार कर देगा और वो ये कह देगा कि अगर डॉकमैन मेरे लिए कुछ करेगा, मुझे ठीक करेगा, तो मुझे ठीक नहीं होना है, मुझे अपना इलाज नहीं करवाना है। और ऐसे में यहाँ पर अब बड़े पापा ये बोलने वाले हैं अक्षरा से कि अक्षरा, अगर तू अभिमन्यु से शादी कर लेगी तो कहीं ना कहीं अबीर को भी ये लगने लगेगा कि वो उसका पापा है और उसका उसके साथ रिश्ता है, और शायद वो तब मान जाए और वो डिप्रेशन से बाहर आ जाए, क्योंकि उसको एक हैप्पी फैमिली की लाइफ में अपनी ज़रूरत है। वेल दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या अक्षरा करेगी अभिमन्यु से शादी? वेल, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।